स्वागत है। आइए हम आपको दिल से स्वागत करके एक नए चैप्टर की ओर ले जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे और 2.5 है क्वेश्चन नंबर। देखिए आपके सामने 8 क्वेश्चन नंबर है, क्लास 8 का 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 है। एकदम देखिए एकदम सरल तरीका से बताएंगे। कहता है एक आयत की लंबाई चौड़ाई के 6 गुनी है। हमको लंबाई पता है, कैसे पता हो रहा है? जो लंबाई है चौड़ाई के 6 गुनी है, मतलब जो चौड़ाई रहेगा उसका 6 गुनी क्या है? लंबाई है। मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, मान लीजिए चौड़ाई है 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई का 6 गुनी। तो चौड़ाई कितना? 2 सेंटीमीटर, तो 6 गुनी 12 हो गया। मैंने एक एग्जांपल दे रहा आपको। तो हमको चौड़ाई पता है, हमको लंबाई ज्ञात करना है। अधिक क्षेत्रफल इतना है 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम लंबाई लिखेंगे लंबाई, तो यहाँ क्या होता है? सेंटीमीटर में, लेकिन इसी का क्षेत्रफल हो जाता है तो स्क्वायर में हो जाता है। आपको हम इसके पहले आपको दिखाते हैं कि आयत कैसे बनता है। आयत क्या होता है? देखिए ये आयत, ये क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? आयत। तो आयत में क्या होता है? ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? चौड़ाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चौड़ाई। ये और ये क्या कहलाएगा? चौड़ाई। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? लंबाई, है ना। तो इस तरह से जो आकृति आपको दिखने को मिलेगा कहीं भी, तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है? आयता आकार है। ये क्या है? आयता है, आयत, आयत है। ये क्या कहलाएगा? लंबाई। ये भी लंबाई कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? चौड़ाई। ये क्या कहलाएगा? चौड़ाई। चौड़ाई के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी, बी फॉर ब्रेथ। और लंबाई को क्या बोलते हैं? एल, एल फॉर लेंथ। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एल। मतलब ये जो चित्र बनाए आपको हम समझाने के ख्याल से बनाए हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के 6 गुनी है। तो माना, मानना पड़ेगा, गणित में माना जाता है। तो माना, सॉल्व करें हम। देखिए सॉल्व, तो सॉल्व देखिए माना, क्या मानेंगे? माना आयत की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमको मानना है, क्योंकि लंबाई हमको पता है चौड़ाई का 6 गुनी। तो जो चौड़ाई रहेगा उसी का 6 गुनी हो जाएगा लंबाई। तो माना आयत की चौड़ाई क्या है? ये बी मानते हैं, बी, बी फोर क्यों मानते हैं? बी फोर ब्रेथ। इसको हम एक समय मान सकते हैं, तो सेंटीमीटर मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में है। तो माना आयत की चौड़ाई बी सेंटीमीटर। बी क्यों माने? क्योंकि बी फोर ब्रेथ है, ये पार्ट है, ठीक है। तो आयत, तो आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या होगा? देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई के 6 गुनी, चौड़ाई क्या है? बी है। तो इसका 6 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6b, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। आयत की लंबाई का रहा चौड़ाई से 6 गुनी है, तो आयत की लंबाई बी गुने 6, तो 6b आ गया। अब देखिए हमको कहता है आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ कह रहा है आयत की आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे आयत, आयत का क्षेत्रफल आता है, आयत की है तो यहाँ की कर दीजिए, आयत की क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लिख दीजिए लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना यहाँ पर दिया हुआ है? 6144। और लंबाई कितना है? देखिए लंबाई क्या है, यहाँ पता चल गया लंबाई 6b, और चौड़ाई कितना है? बी है। तो इसको 6144 को करेंगे, इसको गुना करेंगे यहाँ पर 6b × 20, तो क्या होगा? 6b² माने बी को बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर होगा, 6 तो रह जाएगा। तो 6144 माने 6144 बराबर 6b। इसको हम इधर भी ला सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिखाते हैं आपको कि 6b² बराबर 6144। हम नीचे इसलिए नहीं बना रहे कि आपको वीडियो में शायद नहीं दिखेगा, इसलिए अब देखिए बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 6 है, इसका क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा। अब छह से इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा, डिवाइड करके देखिए, सिक्स इकसठ चौवालीस को हम छह से डिवाइड करेंगे तो छ एकम छ कट गया एक चार, दो एम उतारे थे तो जीरो देंगे, तो छ एकम छ न छ दूनी बारह, छ दूनी बारह आ जाएगा, तो चौदह बारह घटाएंगे तो कितना आएगा दो, फिर चार उतारेंगे तो चौबीस, छ चौका चौबीस ये कट गया, मतलब बी स्क्वायर बराबर इसको भागा दिए, इसको इसको भागा दे देंगे तो कितना आएगा दस चौबीस, मतलब काट दिए चार डायरेक्ट भागा दे सकते हैं, यहाँ नहीं नहीं भी काटेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं दस चौबीस डायरेक्ट भागा देके, दस चौबीस आया, बी बराबर निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, रूट रूट ऐसे चढ़ेगा दस चौबीस। अब आपको बताना है कि दस चौबीस जो है इसको तोड़ना है, ये रूट को हटाना है, ठीक है, तो देखिए हटाते हैं, तो b बराबर इसको तोड़िए 10 24, इसको आप अभाज्य विधि द्वारा भी तोड़ सकते हैं ना तो गुणनखंड विधि द्वारा भी तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए इसको 10 24, तो थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा है ना, अब हम भागा करके दिखाते हैं, यहाँ रफ करें रफ, यहाँ रफ कर रहे हैं ठीक है, 10 24 इसको भागा दीजिए, इसको हम ये क्या कर जोड़ा लगाते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ा लगाते हैं, अब कितना जाएगा तीन से जाएगा, तीन तिया नौ, नौ आएगा एक या तीन से किया, ये जोड़ेंगे छह आएगा या दो और चार उतारेंगे कितना है? दो से जाएगा क्योंकि दो से गुना करेंगे तो बारह सात दूनी एक सौ चौबीस कितना आया बत्तीस आया, कितना आया इसको जब रूट हटा दिए तो कितना आ जाएगा बत्तीस आएगा, बत्तीस मतलब बत्तीस का ये क्या है वर्ग है, बत्तीस का वर्ग दस चौबीस कैसे आया, देखिए भागफल विधि से हम क्या निकाले इसको वर्ग मूल निकाले, तीसरा से आया बत्तीस। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर यहाँ से हम इधर बनाते हैं ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, तो यहाँ बी क्या निकला बी, बी यहाँ क्या माने थे बी चौड़ाई, बी हो जाएगा चौड़ाई ठीक है, ये चौड़ाई निकल गया, अब हमको लंबाई निकालना है, देखिए यहाँ बना रहे हैं लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या था यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंबाई बराबर है सिक्स बी, सिक्स सिक्स बी, तो सिक्स सिक्स बी का मान कितना है बत्तीस आया, बत्तीस है ना, तो बत्तीस आएगा तो गुना कीजिए छह दूनी बारह के दो हाथ में एक, छह अठारह एक उन्नीस, एक सौ बानवे सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा बत्तीस, बत्तीस सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो जाएगा, ये दोनों आंसर हो जाएगा निकल गया, मतलब एक सौ बानवे, ये एक सौ बानवे। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर एट को हम सॉल्व किए, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो पहला है यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो कोण ए सी निकालना है, कोण ए सी नहीं ए सी निकालना है, ए सी भाग निकालना है ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए कि समकोण त्रिभुज होता है क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण समकोण होता है, मतलब समकोण मतलब होता है 90 डिग्री कोण, देखिए ये सीधा आएगा और ये इधर से जाएगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पे वो कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, इसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज, एक यहाँ से सीधा आया और वही सीधा से सीधा इधर चला गया तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज ठीक है, इसको क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहां देखिए त्रिभुज में दो, अब त्रिभुज में क्या होता है तीन कोना होता है, यहां देखिए यहाँ एक कोना दो कोना तीन कोना और तीन तीन भुजा भी होता है, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, आज जो तीनों भुजा से एक दूसरे से टच रहता है, यहां से इधर से आया इधर से आया टच हो गया, इधर से आया इधर से आया टच हो गया, खाली नहीं रहेगा, तो ए बी सी है त्रिभुज ए बी सी है, कोण बी बराबर यहाँ पर कोण जो है बी है, यहाँ बी लिख देंगे तो यहाँ ऊपर लिखेंगे क्या लिखेंगे ये बी सी, समझ गए, तो त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब यहाँ देखिए कि पहला क्वेश्चन यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ये बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर है, ये बी बराबर यही है और बी सी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना में लिखिए 5 सेंटीमीटर नहीं 8 सेंटीमीटर, 8 है ये 8 8 सेंटीमीटर, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये थोड़ा सा कम होगा ये ज्यादा होगा ठीक, ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर सी है
तो हमको ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट ये सी निकालना है। अब ध्यान दीजिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं। नीचे जो पड़ा रहता है, सोया रहता है, जमीन पे पड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जो खड़ा रहता है इसे, तो उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब क्या बोलेंगे, लंब। और जो तिरछा है इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, कर्ण। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स यदि सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, ये सी है। तो कर्ण की जगह पर क्या लिख देंगे, ये सी लिख देंगे, ये सी, ए सी स्क्वायर बराबर। लंब क्या है, लंब क्या है, ये बी, ये जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये बी हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या, जो पड़ा हुआ है जमीन पर पड़ा हुआ है, बी सी। तो बी सी क्या है, आपका आधार है। अभी हम कुछ लिखे नहीं, लंब क्या है ये भी बता रहा है, आधार बी सी बता रहा है, कर्ण ए सी बता रहा है। ठीक है, इसी के अनुसार काम कर रहे हैं, हमको निकालना ए सी। तो ये सी स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ पर, ये भी क्या है, ये भी आपका लंब है। तो लंब कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर देंगे प्लस बी सी, बी सी ये है, तो बी सी कितना, 8 स्क्वायर। अब देखिए ए सी बराबर क्या होता है, ए सी स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, अब इसको निकालिए, 6 छक्का कितना होता है, 36 हो जाएगा, और 8 64 हो जाएगा। 6 छक्का 36 कैसे करें, 6 स्क्वायर मतलब होता है 6 × 6, 8 स्क्वायर मतलब होता है, 8 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 8 × 8, तो 8 8 गुना करेंगे कितना आएगा, 64 हो जाएगा, है ना। इसको एक अच्छे बढ़ा सकते हैं समझने के लिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर 6 × 6 + 8 × 8, एकदम सरल विधि है, एकदम लंबा विधि हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, इसको शॉर्ट करना है। तो जो यहाँ 6 × 6 करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस 8 × 8 करेंगे थे 64 हो जाएगा, 64। ये काम की जगह पर डायरेक्ट हम ये कर दे रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ये सी है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, अंडर रूट, अंडर रूट बोलिए चाहे अंडर रूट बोलिए, एक ही बात है। तो यहाँ है 36 + 64, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आएगा, 100 जोड़ के देखिए, 6 × 4 = 10 और 6 × 3 = 10। ठीक है, 100 आया, ए सी बराबर 1 से 100 आया। अभी इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक, अब ए सी बराबर इसको 100 जो है किसका है, वर्ग किसका होता है, 10 × 10, 100 किसका होता है, 10 × 10, 10 × 100। अब देखिए ए सी बराबर मतलब ये अंडर रूट हटाएंगे हम, ये रूट को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10। तो ए सी बराबर क्या निकल गया, 10। तो ए सी का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 का पहला बताए, इसी में से बी भी क्वेश्चन है। तो आइए इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, बी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमको ए बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए ए सी कितना, 13 सेंटीमीटर, ए सी क्या, ये हुआ, ये सी, ये पार्ट हुआ 13 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण यहाँ है। और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी क्या है, बी सी मतलब आधार है, आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये भी निकालना है, ये भी जो लंब है ना, इसको निकालना है हमको, ठीक है। तो फार्मूला एक ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको फार्मूला लेकर चलना है, चाहे यहाँ पर कितना क्यों ना परिवर्तन हो जाए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कहते कि यही बैठा दिए, ये कर्ण स्क्वायर क्या है, ये सी कर्ण है स्क्वायर, ये भी क्या है, देखिए लंब है, और बी सी क्या आधार है, इसी पर बैठाना है आपको। तो कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण हुआ, ये कर्ण, तो 13 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका जगह 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फार्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि स्क्वायर यहाँ हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये भी क्या है, लंब। तो आप यहाँ फार्मूला पर सेट कीजिए, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नहीं तो लिख सकते हैं कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, ये कर सकते हैं। इसका एक स्टेप बाद करते हैं,
देखिए यहाँ पर ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर है देखिए, ये सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी क्या कर्ण है, तो कर्ण मान 13 सेंटीमीटर हुआ, ए बी का मान कितना है, ए बी लंब है, ए बी का मान हमको पता है नहीं है, तो एक का लिखेंगे यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी बी सी कितना है, बी सी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी सी 5 है सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पर स्क्वायर में है। अब इसको निकाल यहाँ पर 13 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 13 का वर्ग क्या होता है, 13 × 13 तो 169 आ जाएगा, 169 और बराबर है ए बी स्क्वायर बराबर हमको निकालना है, और 5 का स्क्वायर निकालने में कितना हो जाएगा, 5 × 25 ठीक है, 169 देखिए ये प्लस में इधर आ जाएगा बराबर के बाएं साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको तोड़िए, 169 में से 25 घटाइए, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4, और यहाँ 1 है तो 144 हो गया बराबर ए बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बना रहे हैं ए बी स्क्वायर बराबर 144 लिख सकते हैं इधर, क्योंकि बराबर है तो हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जा रहे हैं, इधर बोलते हैं दाएं पक्ष, इधर बोलते हैं बाएं पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड आर एल एच एस और आर एच एस राइट हैंड साइड। तो देखिए ये बी स्क्वायर है बराबर 144 सेंटीमीटर। अब यहाँ यहाँ बना रहे हैं ये बी, इसको इसी को उतार रहे हैं फिर से, ये बी स्क्वायर बराबर कितना है 144 सेंटीमीटर है, तो ये बी बराबर क्या होगा, स्क्वायर है इधर चला जाएगा है ना 144। अब देखिए 144 किसका है, वर्गमूल किसका है, ये 12 का है, ये भी बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, मतलब लंब निकल गया लंब, ये आंसर हुआ 12 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन समझाएं आपको, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को टनाक से बजाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है एक मालिक के पास, मालिक किसको बोलते हैं, जो पौधों की देखभाल करता है, पौधे की सिंचाई करता है, पौधे लगाता है, उसको मालिक कहते हैं गार्डनर। तो एक मालिक के पास 1030 पौधे हैं, टोटल कुल पौधे कितने हैं 1030, 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे, पंक्ति समान रहे, पंक्ति लाइन, जैसे ये पंक्ति हुआ है ना, ये पंक्ति हुआ, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, मतलब ऐसे मतलब जितना, जैसे 1 2 3 4 चार गो हुआ ना, तो एक लाइन में चार गो, तो ये भी चार गो रहेगा, इस तरह से वो लगाना चाहता है, जैसे 1 1 2 बीच में कर देगा 1 2 3 4 इस तरह से लगाना चाहता है, जितना पंक्ति रहेगा उतना स्तंभ रहेगा। तो इसके लिए कम से कम और कितने पौधे की आवश्यकता है, मतलब इसमें से और कितने पौधे की आवश्यकता है ताकि पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक मालिक के पास कितना 1030 पौधे हैं, तो कुल पौधे लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कुल पौधे कितना है 1030, ठीक है, कुल पौधे कितना 1030, तो 1030 को हम क्या निकालेंगे, देखिए वर्ग मूल निकालते हैं है ना, तो ये कितना जाएगा, इसको जोड़ा करते हैं तो 3 × 3 = 9, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 × 9 = 3, तो इधर भी ले सकते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको घटाएंगे तो 130 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उसी से गुना करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा, तो ठीक है, नहीं तो इससे कम होना चाहिए, तो 2 लिखते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12, तो कितना आएगा 6 आएगा, घटाएंगे तो 130 में से 124 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 पौधा एक्स्ट्रा हो जाता है, हमारा 6 पौधा क्या हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है। तो इसमें कितने और पौधे की जरूरत, इसमें कितने और पौधे जरूरत होगा, इसमें तो और कोई पौधे की जरूरत नहीं हो रहा है, ये जो पिलर जो स्तंभ है, तो स्तंभ जो 32 है इसमें 6 आउट हो जा रहा है, लेकिन इसमें कह रहा कितना जरूरत और होगा, तो जो 32 आया है इसके बाद क्या लेंगे 33 लेंगे, 33 का वर्ग लेंगे, क्या लेंगे 33 का वर्ग, तो 33 का वर्ग क्या होता है 33 × 33, गुना के लिए 33 का वर्ग क्या होगा 33 × 33, गुना करते हैं 3 × 9 3 × 9 3 × 9 3 × 9
नौ 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 अठारह पे एक नौ कहते दस नवासी सुगुना करेंगे दस सौ नवासी ये हुआ 33 का वर्ग। अब क्या निकालते हैं अब देखिए 33 का वर्ग जो 10 नवासी हुआ वो जो पहले से कहता है 10 30 इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए यहाँ के बाद यहाँ बना रहे क्योंकि नीचे बनाएंगे तो हो सकता है मेरा वीडियो आपको नहीं दिखेगा। तो 10 सौ नवासी में से टोटल कितना क्वेश्चन है 10 30 पौधे पहले से तो 10 30 पौधे पहले से है यहाँ घटा देंगे 9 8 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 5 ये कट जाएगा। मतलब है कि जो 59 आ रहा है 59 तो जो 59 है वही क्या हो जाएगा आंसर होगा। क्यों आंसर होगा क्योंकि इसमें 59 और पौधा लगा देंगे इसमें यार 59 जोड़ देंगे तो ये आपका जितना पौधा है उतना क्या होगा जितना पंक्तियों की संख्या होगा उतने स्तंभों की संख्या हो जाएगा मतलब 33 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है 59 पौधा और इसमें जोड़ेंगे तो 33 का वर्ग हो जाएगा और उतने ही आपका पिलर हो जाएगा स्तंभ हो जाएगा और उतने ही क्या हो जाएगा पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 8 का मैथ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक विद्यालय में स्कूल में विद्यालय में 630 विद्यार्थी है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक न स्पोर्ट टीचर ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया है मतलब जो खेल का शिक्षक है जो आपको खेल खिलाते हैं वो टीचर इस तरह से खड़ा किए हैं कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो ही पंक्ति हुआ है ना और इधर से भी ठीक है आदि तो ये पंक्ति हुआ और इधर से भी तो दोनों क्या है बराबर हो समान हो समझ रहे हैं। इस व्यवस्था को बनाने में विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा तो निकल जाएगा तो कितने विद्यार्थी बाहर जाएंगे तो आइए देखते हैं एकदम आसान है 630 है तो 630 देखिए 630 इसको ही बनाते हैं ये भागफल विधि से हमको क्या बनाना पड़ेगा वर्गमूल देखिए कितना जाएगा इसको जोड़ा करते हैं तो 2 से जाएगा 2 दूनी 4 ऐसे करते हैं इसको जोड़ देते हैं इसको हटाएंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ जोड़ेंगे इसको फिर उतार देते हैं तो 30 तो 230 अब यहाँ पर क्या लिखेंगे है ना अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उसी से गुना करेंगे तो आ जाएगा लगभग इतना तो 5 लिखते हैं अनुमान 5 बच्चे 25 के 5 हाथ में 2 5 चौके 20 और 2 22 देखिए हटाइए इससे 230 में 225 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा देखिए आ गया तो आंसर क्या है यहाँ पर देखिए ये ऊपर जो तोड़े तो ये क्या जाएगा 2 और ये 5 25 मतलब ये 25 आया है वर्ग 25 का होता है 25 का वर्ग होता है क्या होता है 625 25 का वर्ग क्या होता है 625 और यहाँ क्या है 630 स्टूडेंट है तो बाहर कितना जा रहा है देखिए ये कितना जा रहा है 5 तो जो 5 बाहर जाएगा यही आंसर हो जाएगा 5 स्टूडेंट जो है अतिरिक्त है इस नियम के अनुसार इस पंक्ति और स्तंभ के बाहर हो जाएगा 5 स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आंसर क्योंकि 25 का वर्ग क्या होता है 625 और यहाँ कितना है 630 तो 5 यहाँ अधिक नहीं है इसलिए क्या हो जा रहा है 5 बाहर हो जा रहा है। इस तरह से हम एक साथ आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एक वीडियो में सॉल्व किए हैं थोड़ा वीडियो बड़ा है लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है बहुत उपयोगी है तो हमारे वीडियो को आप देखें लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे चैनल पर बने रहें।